हम बीसी रोड में खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे एक डेड बॉडी फुटपाथ पे पड़ी हुई है। हालांकि अभी जस्ट ये खबर आई है कि एक डेड बॉडी यहाँ पर देखी गई है। एक सरदार साहब है जिनका पीछे आप देख रहे हैं कि मीडिया पर्सन से इंटरव्यू ले रहे हैं। उन सरदार साहब का ये दावा है कि अधेड़ उम्र का ये व्यक्ति जो है वो हर एक दिन पिछले करीब 3 से 4 महीने से वो इसे देख रहे थे। कभी वो यहाँ पर बैठा होता था, कभी वो आगे बस स्टैंड के पास बैठा होता था और यहीं पर वो चक्कर लगाता रहता था और कभी किसी से बात नहीं करता था, कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था। और जो लोग यदि खुद उन्हें खाना दे जाएं तो दे जाएं, अदरवाइज वो किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आते थे। और सरदार जी का दावा है कि वो अक्सर आते जाते उनको देखते थे और कोशिश करते थे उनसे वार्तालाप करने की, क्योंकि स्ट्रेस में दिखाई देते थे, क्योंकि बात नहीं करना, अपने ही धुन में खोए रहना, तो एक स्ट्रेस लेवल उनका दिखाई देता था जिसकी वजह से सरदार जी कोशिश करते थे लेकिन कभी उन्होंने अपना वो स्ट्रेस खोलने की कोशिश नहीं की। आज वो जब निकल रहे थे उन्होंने देखा कि वो बेसुध पड़े हुए हैं और जब उन्होंने थोड़ा सा हिलाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब आखिर ये कौन है, क्योंकि आइडेंटिटी कोई पता नहीं है। हाथ से आप उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं पिंकल को बोलूँगा कि कैमरा थोड़ा सा क्लोज करके हाथ का कैमरा वो दिखाएं। हाथ की स्किन से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एक बड़ी खबर इसके पीछे जो निकल कर आ रही है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे यदि मैं बात करूं, क्योंकि मुझे जो यहाँ पर पूछताछ करके थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है यहाँ पर कुछ लोगों का, उनका ये कहना है कि ये लोकल ही हैं और इनके घर वाले भी यहाँ आसपास ही हैं, लेकिन इनके घर वाले इनको पहचानने से मना कर रहे हैं। मैं कोशिश सर के नादवाड़ा सर की करते होते हैं। अच्छा, ये डेड बॉडी पता कौन है? डेड बॉडी डेड वाली कोई इन्नी कोई जानकारी नहीं है। एक बार इन कोई 2-3 महीने हो गए मेरे खेल इन्हें फोन करवाया, फोन नंबर दिता है इन्हें, ठीक है बोलते भी अरे रुटी शुटी खिलाई मैं 2-3 बारी तो आखिर मैं इतने मेरी कुड़ी होई है शक्ति नगर को राजपुरे को साइड को इधर तो आखे फोन नंबर भी फोन करवाए। मैं फोन करवाया, मैं एक दो बारी फोन बजा नहीं चुकया उन्हें, फिर दोबारा किया फोन फिर चुकया कुड़ी ने फोन। मैं इं गल है मैं तो फादर साहब ने पता कौन है गल करो आखा जी नहीं गल कर सकते हैं साले कुछ नहीं लगते है कि फोन कट्टे उड़े उन्हें बस फिर मैं है नहीं चुकते फोन गल है। कितनी देर पहले महीना डेढ़ महीना आओ दमाकी हालत ठीक है? ठीक है ठीक है बिल्कुल सही बोलता हाँ सही बोलता सही बोलता देखे ये नहीं मंगता ना ना क्यों ਇਹ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਕਲੈਟ ਦੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਖਾ ਲੈ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੁੱਥੇ ਰੋਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕਹੇ ਜੇ ਮੂਸਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਅਕਸਰ ਦਿਖਦੇ ਰੋਂਦੇ ਇੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰੋਂਦੇ ਹੈ तो ये सच्चाई है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड बॉडी जो है अभी इसे शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है और वो सरदार जी ये दावा जरूर कर रहे थे कि वो अक्सर आते आते इनको देखते थे, लेकिन जिस तरह से ये ऑटो चालक है इन्होंने दावा किया है कि पिछले करीब 3 से 4 महीने से वो भी इन्हें फॉलो कर रहे थे। अधेड़ उम्र के थे, दिमागी हालत बिल्कुल सही थी, कोई खराबी नहीं थी, भिखारी नहीं थे, लेकिन उम्र की वजह से शायद कुछ परेशानियां थी। और उन ऑटो चालक जो जिनसे भी हमने बात आपकी सुनवाई है उनका ये दावा है कि करीब 1 महीने पहले इन्होंने एक नंबर भी दिया कि मेरी बेटी का नंबर है उनसे बात कीजिए, लेकिन फ़ोन करने पर बेटी ने मना कर दिया कि हम इन्हें जानते नहीं, हमें यहाँ पे तंग मत कीजिए। अब कितना दावा है ये एक जांच का विषय है, लेकिन इतना ज़रूर है जितना हर कोई कह रहा है कि भिखारी नहीं थे, दिमागी हालत ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद डेड बॉडी जो है वो बीसी रोड पर इस समय एक लावारिस की तरह पड़ी हुई है। तो यदि जो बेटी जिसकी हम बात कर रहे हैं जो कि राजपुरा या शक्तिनगर के आसपास रहती है, यदि सच्चाई इसमें है कि यदि वो वीडियो देख रही है, सच में उसने फ़ोन पर मना किया है कि वो इनके नहीं है, यदि वो ये देख रही है, तो अंतिम क्षणों में कम से कम अपना जो
लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो ज़रूर करें। आप जुड़े हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।